दोस्तों, तुर्की और ग्रीस के रिश्ते ग्रीस द्वारा तुर्की के ओटोमन साम्राज्य से आजाद होने के बाद से ही काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों देश दो बार ग्रेको तुर्किश युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और पहले बाल्कन युद्ध के दौरान एक दूसरे से टकरा भी चुके हैं। इसके बाद बीच में दोनों देशों के बीच हालात कुछ सामान्य हुए, लेकिन वर्तमान में दोनों एक बार फिर एजियन सी को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। यूं तो एजियन सी डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र की सॉवरेनिटी और अधिकार को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है और धीरे धीरे यह और भी गंभीर रूप लेता जा रहा है, जिसमें एक तरफ ग्रीस के साथ फ्रांस है तो वहीं तुर्की के साथ इजिप्ट है। इस क्षेत्र में दोनों देशों की नेवीज के बीच भी कई बार नोकझोंक हो चुकी है। वैसे तो ये दोनों देश नेटो समूह के मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि म्यूचुअल डिफेंस के सिद्धांत पर काम करता है। इसीलिए फ्रांस सहित इन दोनों देशों के बीच टकराव इस समूह में फूट डालने वाला हो सकता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम तुर्की और ग्रीस की मिलिट्री पावर का लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि इन दोनों देशों में किस देश की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले दोनों देशों से संबंधित कुछ जरूरी आंकड़े देख लेते हैं। ये सभी आंकड़े एक बार फिर अपडेट किए गए हैं, इसलिए पिछले वीडियोस के आंकड़ों से कुछ आंकड़े डिफरेंट दिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तुर्की की वर्तमान पॉपुलेशन 80.4 मिलियन यानी 8 करोड़ से अधिक है। वहीं ग्रीस की कुल पॉपुलेशन वर्तमान में 10.4 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक है। पॉपुलेशन रैंक में तुर्की इस वक्त 17वें स्थान पर है, वहीं ग्रीस 87th प्लेस पर आता है। क्षेत्रफल के अनुसार तुर्की 36वां सबसे बड़ा देश है, वहीं ग्रीस इस सूची में 95वें नंबर पर आता है। डिफेंस बजट, तुर्की ने पिछले साल अपने डिफेंस पर ओवरऑल 20 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा किया, वहीं ग्रीस ने इस क्षेत्र में 4.8 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा किया। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार तुर्की 138 देशों की सूची में दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, वहीं ग्रीस इस सूची में 33वें स्थान पर आता है। इसके बाद देखें असल हथियार। तो 21वीं सदी के सबसे घातक वेपन्स होते हैं न्यूक्लियर वारहेड्स, जो कि दोनों ही देशों के पास वर्तमान में मौजूद नहीं है। इसके बाद मिलिट्री पर्सोनेल, तो दोनों ही देशों के पास एक्टिव और रिजर्व दोनों मिलाकर लगभग 7.5 लाख के समथिंग मिलिट्री पर्सोनेल हैं, लेकिन तुर्किश मिलिट्री में एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या ग्रीस के मुकाबले ज्यादा है। इसके बाद देखें हवाई ताकत, फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स तुर्की के पास 245 से भी अधिक इस प्रकार के एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं ग्रीस के पास 210 से अधिक इस तरह के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके बाद केवल अटैकर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो तुर्की के पास इस तरह की 50 से अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं ग्रीस के पास जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, जो कि अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। इसके बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, तो स्पेशल मिशन, यूटिलिटी, ट्रेनर, सभी प्रकार के हेलीकॉप्टर्स मिलाकर तुर्की के पास 600 से अधिक इस तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं ग्रीस के पास 240 से अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में कॉम्बैट टैंक्स, तुर्की के पास 2600 से भी अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं, वहीं ग्रीस के पास 1340 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, तुर्की के पास 8700 से अधिक व ग्रीस के पास 3600 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। इसके बाद हवाई डिफेंस के लिए रॉकेट प्रोजेक्टर्स, तुर्की के पास 430 से अधिक व ग्रीस के पास 150 से अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें समुद्री ताकत, तो समुद्र के सबसे बड़े जंगी जहाजी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर्स दोनों ही देशों के पास वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बाद फ्रिगेट्स, तुर्की के पास 16 व ग्रीस के पास 13 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। इसके बाद कॉर्वेट्स, तुर्की के पास 10 कॉर्वेट्स हैं, वहीं ग्रीस के पास कोई भी कॉर्वेट मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों ही देशों के पास फास्ट अटैक और मिसाइल बोट्स मौजूद हैं। तुर्की के पास 19 और इतनी ही ग्रीस के पास इस तरह के अटैक शिप्स हैं। इसके बाद समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स दोनों ही देशों के पास नहीं हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स, तुर्की के पास 12 व ग्रीस के पास 11 सबमरीन्स बताई जाती हैं।
सो फ्रेंड्स, ये रहा तुर्की और ग्रीस की मिलिट्री के बीच लेटेस्ट और अपडेटेड आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन। इसे देखकर आपको क्या लगता है, किस देश की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर